मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट, वेलकम टू LFCS ऑनलाइन क्लासेस, क्लास फिफ्थ बेटा। हिंदी में आज हम लोग चैप्टर 11, कौन सा चैप्टर? चैप्टर 11 बुलंद भारत की नई तस्वीर का पुनः अभ्यास करेंगे, यानी रिवीजन करेंगे, जो कि यही चैप्टर आपको PT4 में प्रिपेयर भी करना है। PT4 का सिलेबस तो आप लोगों को मिला ही, तो चैप्टर 11 यानी बुलंद भारत की नई तस्वीर, यही आपका PT4 में चैप्टर रहेगा। तो इसकी जितनी भी आप लोग समरी भी टीचर आपको बताई होंगी, और बाकी इसके जो वर्ड मीनिंग है, अभ्यास इसके जितने दिए गए हैं, सारी अभ्यास में एक्सरसाइज, मौखिक क्वेश्चन, लिखित क्वेश्चन, सब आपको प्रिपेयर करना है। ओके, तो इसमें है, जैसे पिछले कुछ वर्षों में भारत की महिलाओं और पुरुषों के साथ कंधों से कंधा मिलाकर भारत को बुलंदी की चरम सीमा पर पहुंचा दिया गया था, और आज वह डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, अध्यापक, अंतरिक्ष यात्री, मैनेजर, अभिनेत्री आदि बनकर विभिन्न क्षेत्रों में प्रसिद्ध हो गए हैं। वह निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रही हैं, उन्नत के नित नए शिखरों पर पहुँच रही हैं, वह निरंतर प्रगति कर रहे हैं। तो प्रस्तुत पाठ में यही आपके दिया गया है, यानी भारतीय महिलाओं के विषय में कि वह कितना आगे बढ़ी, कैसे वैज्ञानिक बन गई, कैसे वह लोग अंतरिक्ष पर पहुंची, अध्यापक बनी, इंजीनियर बनी, इन सब के विषय में चैप्टर में बताया गया है। समरी भी आपको टीचर बताई ही होंगी, एक बार आप लोग ये चैप्टर पढ़ ही लिए हैं, बुक कॉपी का सारा अभ्यास करा दिया गया है, सबका कंप्लीट है। PT4 में आपका चैप्टर 11 ही है, तो जिनका कंप्लीट नहीं है, वर्क अपना अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले अभ्यास में जितने भी वर्ड मीनिंग दी गई हैं, जितनी वर्ड मीनिंग दी गई हैं, उनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। जैसे है आयोजित, तो आयोजित मीन्स क्या होता है? आयोजित मीन्स आयोजन या समारोह किया गया। खिताब, खिताब मीन्स क्या होता है? तो खिताब मीन्स उपाधि होती है, खिताब। खिताब मीन्स क्या होता है? उपाधि। ओके, अब ऐसे ही है प्रशिक्षण, प्रशिक्षण यानी नियमित दी जाने वाली व्यवहारिक शिक्षा ही क्या है? प्रशिक्षण है। सर्वोच्च में सबसे ऊंचा, कर्मठ में कर्म में रत यानी परिश्रमी, विलीन होना यानी मिल जाना, खो जाना, सहपाठी, साथ पढ़ने वाला, जो साथ पढ़ता है उसी को क्या कहते हैं? सहपाठी कहते हैं। अब है पेशेवर यानी व्यवसाय या जीविका के रूप में अपनाना। फिर है कार्यकर्ती, कार्यकर्त्री मीन्स कर्मचारी, कार्यकर्त्री यानी जो कार्य करे, तो कार्य करने वाला क्या है? कर्मचारी है, कार्यकर्त्री। ओके, तो कार्यकर्त्री मीन्स कर्मचारी यानी जो कार्य करे। तो सारी वर्ड मीनिंग नहीं राइट कर रहे हैं, क्योंकि बुक में आपके सारी वर्ड मीनिंग दी गई है, तो इसको अच्छे से आपको सारा प्रिपेयर करना है। फिर है उल्लेखनीय, उल्लेखनीय यानी उल्लेख करने या कहने योग्य, जो हो उसी को क्या कहते हैं? उसी को उल्लेखनीय कहते हैं। परिश्रम में क्या होता है? मेहनत होता है। साकार यानी आकार युक्त, सक्षम यानी सामने, सॉरी समक्ष है, समक्ष में सामने। अब है सही विकल्प पर सही का निशान लगाओ, तो क्वेश्चन है कल्पना चावला बचपन से ही कैसी रही? ऑप्शन दिया है कर्मठ या बुद्धिमती, हसमुख या चालक, आलसी या अकर्मण्य। तो क्या होगा आंसर? आंसर होगा कर्मठ एवं बुद्धिमती। तो कर्मठ एवं बुद्धिमती ऑप्शन के आगे आप टिक कर दोगे, बाकी जो दो ऑप्शन हैं हसमुख या चालक, आलसी या अकर्मण्य, इसमें क्या करोगे? इसके आगे आप क्रॉस कर दोगे। सेकंड है साइना नेहवाल किस खेल की खिलाड़ी थी?
तो किस खेल की थी? टेनिस थी कि फुटबॉल की थी कि बैडमिंटन की? आप लोग जानते हो, पढ़ाया लिखाया भी गया है, आंसर भी इसका दे चुके हो, होमवर्क हम सुन चुके हैं। तो इसमें क्या होगा? बैडमिंटन होगा। बैडमिंटन के आगे आप टिक कर दोगे और टेनिस और फुटबॉल के आगे आप क्रॉस कर दोगे। तो अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लेना। कल्पना चावला पहली बार अंतरिक्ष यात्रा पर कब गई? तो आंसर होगा नवंबर 1997 में, यानी 1997 में कल्पना चावला अंतरिक्ष पर पहली बार गई। बाकी दो 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 ऑप्शन जो दिए हैं उसके आगे क्रॉस हो जाएगा। लास्ट है, बचेंद्री पाल ने भारतीय तिरंगा कहाँ पर फहराया? आंसर होगा सागर माथा। कहाँ फहराया था? सागर माथा पर। सेकेंड ऑप्शन इसमें सही होगा। बाकी जो रुदुगैरा पर या गंगोत्री पर, इसके आगे आप क्रॉस कर दोगे। अब इसके बाद लिखित प्रश्नों के उत्तर दो। तो मौखिक क्वेश्चन है और लिखित है। तो मौखिक आपके 4 हैं, तो 4 क्वेश्चन ये मौखिक वाले जो हैं इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। आपको वर्क कराया लिखाया भी गया है ना, तो आंसर इसका ज़रूर आप लोग प्रिपेयर कर लेना, अच्छे से प्रिपेयर करना। लिखित क्वेश्चन आपके 5 हैं, 5 क्वेश्चन ये सारे भी लिखा दिए गए हैं, इसको भी आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अधिक शब्दों में भी 5 क्वेश्चन हैं, जो भी आपको वर्क कराया गया है उसको सारा प्रिपेयर करना है, क्योंकि एक ही चैप्टर है, इसी से 20 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। एक एक चैप्टर आपका ग्रामर से रहेगा, एक एक चैप्टर आपका रेसिटेशन से। शब्दों को पहले सही विशेषण लगाओ, ऑप्शन भी दिया है। तो विशेषण लगाना है, जैसे नाम के आगे प्रसिद्ध हो गया, तो प्रसिद्ध नाम, प्रसिद्ध आपका विशेषण हो गया। और इसी तरह महिला है तो महिला का आगे विशेषण भारतीय लगा देना। परिश्रम है तो कठिन लग गया है। दुर्घटना है तो भयानक हो गया। यात्री है तो अंतरिक्ष हो गया। कार्य है तो सरल हो गया। ये सब विशेषण लग गए, तो सारा आप लोग किए भी हो ना। कारक चिन्ह रेखांकित करके उनके नाम लिखिए। तो जैसे है